सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट मिल सके। नमस्कार, इन्वेस्टिगेशन न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं सुल्ताना से एक आज की बड़ी खबर। जलगांव शहर में फिर एक बार एक बेबस लड़की की माँ बाप इंसाफ की मांग करते हुए भिकन शाह रहमान साहब, उन्होंने प्रशासन से इस बच्ची की पीएम इनके मांग की है। अब देखना यह है कि क्या प्रशासन इनकी मांग को पूरी करता है, क्या एक बेबस माँ बाप को इंसाफ मिल पाएगा, इन्हें आज भी संविधान पर भरोसा है, क्या इनका भरोसा बरकरार रह पाएगा, क्या ऐसे आरोपी को कड़क से कड़क सजा फांसी दी जानी चाहिए। ऐसी मांग लड़की की मां ने की ताकि हमारे जलगांव में एक महीने में तीसरी बार ऐसी घटना हो चुकी है। वैसे इनके साथ कादरे फाउंडेशन के अध्यक्ष फारूक कादरी, नगर सेवक सादिक भाई खाटिक, आसिफ साहब आपू और कई जिम्मेदारों की मौजूदगी रही। इन सभी ने अपना विश्वास पुलिस प्रशासन पर बताया कि हमें भरोसा है कि हमारी पुलिस प्रशासन इन पीड़ित माँ बाप को इंसाफ जरूर दिलाएगा। यह कहते हुए फारूक कादरी ने कहा कि इस लड़की ने माँ बाप ने चौक से अधिकारी आयोग को यह निवेदन दिया जो उनकी माँ बाप ने मांग की। पुलिस प्रशासन ने भी उन्हें विश्वास दिलाया कि आपकी बच्ची की ताल्लुक से आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, दोषी जो भी है उसे सजा मिलेगी और एक संचित आरोपी को हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है। जिस तरीके से लड़की की मां ने बताया वह आरोपी अभी पुलिस की हिरासत में, आप सभी लोग हौसला रखें और जो भी आरोपी हो पुलिस प्रशासन उसे फांसी की सजा दे। जलगांव से हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट, देखते हैं इन्वेस्टिगेशन न्यूज 24। तो रात में आपको पता चल गया था कि वो लड़का कौन है? हमारे को रात में तो नहीं, दोपहर समझ लो 12:30 बजे लड़की गई बरोबर, और ये जा काम करते यानी कि माँ बेटे दोनों, उसकी माँ और ये मुस्कान बच्ची, तो वहाँ पर पी कर ये अपने गणपति नगर के अंदर वो गया और बच्ची को बिन जबरी करके डांट के कुछ बोल चाल के ना वो बच्ची को ने 12:30 बजे से जो लेके गया, तो हमारे को 1:30 बजे मालूम गिरा दोपहर में 1:30 बजे रात में मालूम गिरा। फिर उसके बाद में हमने ढूंढना चालू करे, फिर उसके बाद में उसकी अम्मा, उसका भाई, उसका मामू ये लोग थे, तो रामानंद पुलिस चौकी गए तो इनको जो 3 बजे से वहाँ बैठा के रखे तो रात में 9 बजे तक बरो। फिर उसके बाद में उनको एक बच्ची ने फोन करा जो वहाँ पर ही काम करती, क्या बोले मेरे को मुस्कान बोले बगीचे के तरफ रामेश्वर कॉलोनी बड़ला वहाँ पर दिखी बोले, तो पुलिस वालों ने भी वो बात पे कुछ ख्याल नहीं दिया और उसको ढूंढने के लिए रामानंद तरफ और दूसरे तरफ ढूंढने के लिए चले गए। उसके बाद में रात को मेरे को 8 बजे जब मालूम गिरा क्या भाई मुस्कान का ऐसा है दोगा, मैं खालू है उसका, तो मेरे को मालूम गिरा। फिर मैं रिक्शा चलाता नाइट में, तो मैंने मेरी रिक्शा लेके रामेश्वर कॉलोनी का मेरे को मालूम गिरा, तो मैंने रामेश्वर कॉलोनी में मैं मेरा साला कुछ 2-4 दोस्त, फिर वहाँ से निकलो लड़की का भाई, फिर वहाँ से निकलो मेरी साली लोग, उसकी अम्मा बच्ची की, हम लोग सब उसको ढूंढते फिर रहे थे। तो हमारे को 12:30 बजे उसका घर मिला, रात में 12:30 बजे उसका घर मिला। लड़के का नाम क्या है? उसका विशाल भोई। क्या विशाल? उसका घर हमारे को मिला। फिर मैंने उसको घर में से पहले उसकी माँ को पूछे तो उसकी माँ ने नहीं कह दिया, फिर हमने उसको बोले कि ताई जो सच्ची है वो बता, तो बोले पेशाब को गए, फिर वो बच्चा पेशाब करके आया, तो ये मेरे दोस्त लोग उसको धमकाने लगे, करने लगे, बोला बेटा कुछ धमकाओ मत, कुछ मत कर, सिर्फ तू हमारे साथ में चल। तो मैंने उसको, उसकी माँ को, उसके भाई को, यानी तीनों को मेरी गाड़ी में बैठाया और मैंने जो दूसरे बच्चे थे उनको दूसरी गाड़ी के अंदर ड्रॉप करे और हम रामानंद पुलिस चौकी के अंदर जिस वक्त गए तो हमने उनको ये बताया कि सर ये आरोपी है और ये बच्चे ने ये बच्ची को लेके गया, तो पुलिस वालों ने हमारा कोई एक भी नहीं सुना और दो भी नहीं सुने और हमारे को वहाँ से काट दिया। काटने का मतलब ऐसा कि तुम्हारी कंप्लेंट हो जाए ले बोले तुम सुबह 10 बजे आना, और 10 बजे तो हमारे को दूर की बात है, हमारे को सुबह 7 बजे पूरी की डेड बॉडी में। अच्छा, डेड बॉडी किस हालत में थी? डेड बॉडी तो ऐसा कुछ हमारे को वहाँ पर, हम जब रामानंद में गए तो हमारे को सिर्फ मोबाइल पे फोटो दिखाया गया कि ये बच्ची है, तो हमने कहा कि हाँ ये। फिर उसके बाद में हम शिविर आ गए, शिविर आए बाद में वो अंदर फ्रीजर में बच्ची को डाल दिया पीएम रूम में और हाथ बांधे थे, हाथ बांधे हुए थे। मैं कादरी फाउंडेशन के अध्यक्ष फारूक कादरी, जो तामापुर की जो घटना हुई है उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा दुख है। हमारे साथ में उस बच्ची की माँ और बाप, खालू, सभी रिश्तेदार मौजूद हैं और हमारे वार्ड के नगर सेवक सादिक भाई खाटी ये मौजूद है, और हमारे सादिक भाई का ये कहना है मेम्बर का कि जो उसके माँ बाप की भावना है
हम उसकी माँ बाप की भावना के साथ में हैं और रहेंगे। और उनके माँ बाप के जरिए प्रशासन से हमने इन कैमरे की पीएम की डिमांड की है। अब हमें प्रशासन के आदेश का इंतजार है कि वो उनका आदेश कब देते हैं। और बावड़ी को काफ़ी टाइम हो चुका है, बावड़ी की ज़्यादा घान ना हो, प्रशासन से हमारी विनंती है। इसी तरीके से हमारे समाज सेवक आशीष शाह बापू भी यहाँ मौजूद है और शाह बिरादरी की तमाम जिम्मेदारी यहाँ मौजूद है। ये हादसा आज एक लड़की के साथ नहीं पूरे भारत की बच्चियों के साथ हुआ है, ये बार बार ना हो, इसके लिए हमको कड़क से कड़क कार्रवाई की डिमांड की है। जैसे कि हमारे सारिक भाई साथ में मौजूद है, जिन्होंने कहा है कि आप जिम्मेदारी से ये बात पेश कर सकते हैं कि अगर उनके माँ बाप जो चाहेंगे जहाँ चाहेंगे मेंबर साहब आने को तैयार है और हमेशा उनके साथ में रहेंगे। कि जलगांव शहर में ये तीसरा हादसा है लगातार जो प्रशासन को बार बार चैलेंज कर रहा है। ऐसे आरोपों को कड़क से कड़क इन पर कार्रवाई होना चाहिए ताकि हमारी दूसरी जो माओ बहने हैं जो सेफ होंगी, कम से कम उनको इंसाफ मिलेगा, इनको तो उनके ऊपर अत्याचार नहीं होगा। तो इसके लिए हमारी डिमांड है कि तीसरी केस है, अब कोई केस इस तरीके से ना दबे कि इनका कोई नहीं है। इनके साथ में पूरा जलगांव शहर और तमाम जलगांव शहर के सभी सामाजिक संस्थाएं इनके साथ है और उनके कॉरपोरेटर सादिक भाई भी इनके साथ है जो हमेशा रहेंगे। और इनके इन कैमरे की डिमांड प्रशासन ने पूरी करना चाहिए, ऐसी हमारी विनंती है। इनकी माँ से रूबरू कराना चाहता हूँ कि लड़की की माँ की क्या भावना है। आप देख सकते हैं कि बच्ची के माँ बाप किस तरीके से दुखी है, जिनकी अल्फाज भी नहीं निकल रहे, जबान नहीं उलट रही है। तो प्रशासन ने इनकी खामोशी को इनकी बगावत समझना चाहिए। ये बगावत किसी के खिलाफ नहीं है बल्कि इंसाफ मांगने के लिए है। और इनके माँ बाप को भरोसा है कि संविधान हमें इंसाफ मिलेगा संविधान के नियम से, और संविधान पे हमें पूरा विश्वास है।